बोलो भरतरी महाराज की। तन की लखे सुमानवी और मन की लखे सोपीर, तन मन की दोनी लखे बिरवा की जात फकीर। फिकर सभी ने खा रयो और फिकर कर गया पीर हो, फिकर की फाकी करे वाकी जात फकीर। फिकर सभी ने खा रयो, फिकर कर गया पीर, अरे फिकर की फाकी करे वहां की जात फकीर। राजा भरतरी राजपाट छोड़ दिया, मन में बेराग जाग्यो और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की शरण में जार कहने लगे, हे भगवान, हे गुरु महाराज, दुनिया का सब रंग देख लिया, अबे मैंने भक्ति चावे, आप रो चेलो बनाओ और भक्ति रो मार्ग बताओ। गुरु महाराज बेंटे में काई तो भरतरी जी और गोरखनाथ जी महाराज ने बातों वर काई संत नहीं मांगा वे। ओ जी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, ओ भरतरी थारी ईश्वरी के वो कारण जोग फकीरी धारी, मालिक के वो कारण जोग फकीरी धारी। राजा भरतरी ने गोरखनाथ जी महाराज कहो, बेटा थे राजा हो राज करो, फकीरी कोई कवस की बात नहीं। भरतरी जी बोले, महाराज दुनिया का सारा ही रंग देख लिया, अब तो आप रो चेलो स्वीकार कर लो। तो बिंटे में चोटी कांट बना लिया, चेला ज्ञान सिखाना पड़ता है, अरे ऊंच नीच की अटक नहीं भगवान को आना पड़ता है। भरतरी अगर तू चेलो बने तो राज सही कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, तो क्षत्रिय धर्म छोड़ संत धर्म में आजमानो पड़े लो,
और थने थारी उजे नगरी में जाओ और भिक्षा मांगनी पड़ेली बेटा गोटो कोई माल मलिदा बनानिया नहीं। बंटे में राजा भरतरी ने गोरखनाथ जी रो आदेश वे और काई भरतरी आगे बात बढ़ावे। ओ राजा जाओ शहरी के माही ले आओ फेरी ओ मांग लो फेरी भिक्षा ने तो कही जो और थारी रानी पिंगला ने माँ की जो बेटा कियो और बोल जो माँ पिंगला भिक्षाम देई इतनी तू कर सके बेटा तो तू भक्ति में आ सके। बिंटे में राजा भरतरी बोले हे गुरु महाराज आप रो कियो सिर माथा पे है मैं यूं गयो और भिक्षा लेर वापस आयो काई लीला रचाओ मारो नाथ। राजा गयो रे शहर के माई लगा रियो फेरी ओ लगा रियो फेरी भिक्षा घालो भारी पिंगला मात करो मत देरी ओ भिक्षा घालो भारी पिंगला मात करो मत देरी। भरतरी भगवान सही कपड़ा पेरा हाथ में चिमटा तमुरा हाथ में ले और मेला की डोडी पे खड़ो राजा भरतरी बोला अलग निरंजन माँ पिंगला ए माँ पिंगला भिक्षाम दे इति आमा सुनी बिंटे महारानी सा के सुखारिया अपनी दासी ने बोली हे दासी देख कोई जोगी आयो नीचे जा क्यों मोतेरो थाल ले जा बिने भिक्षा गाले क्यों वह घूगरा बजाती थकी बांधी नीचे आई और बोली हे जोगी पिछाण नहीं पाया जोगी को थारो बर्तन पसार आज रानी सा मेहरबान वे गया थारे वास्ते मोतियारो थाल भेजो तू ले जा और जा के मौज कर। राजा भरतरी बोला हे बांदी थारे हाथरी भिक्षा नहीं ली भिक्षा घाले तो मां पिंगला मेला उनी चार घाले तो ही भिक्षा ले तो आज ले उनको का। बांदी बोली हे फकीर थारी इतनी औकात के रानी सा मेल मु नीचे उतर धन भिक्षा गाले। जद राजा भरतरी बोला हे लड़की हे छोरी हे दासी इतनी ऊंची आवाज में मत बोल कियो एक दिन तू बाजार में बिक्री तन खरीद रे बेटी की जान पाल पोसर बड़ी करी और तू आज मने इतनी बड़ी बात कह रही है। बेंटे बांदी मन में समझ गयो हो राजा भरतरी राजा भरतरी जोगी वे गया बिंटे में रोती रोती मेला में गई और रानी सा ने कहने लगे हे भाई राज थारा तो करमटा फूट गया थारे तो मेला में काला का गुड़ गया देख राजा भरतरी जोगी बनया था का नीचे खड़ा है। रानी पिंगला मेल का झरोको काई तो नीचे देखो और काई तिवाड़ो कार धरती पर गिर पड़े। ओ रानी खड़ी महली के माही लटैया तोड़े लटैया तोड़े ओ राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़े राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़े हाथ
पड़ी रे महल के माई तड़पती काया तड़पती काया। ओ थारो मरीजों को रख नाथ राज छुड़वाया, ए थारो मरीजों को रख नाथ राज छुड़वाया। रानी खड़ी महल रे माई लटैया तोड़े बाला ने नूच लिया रानी सा। ए राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत छोड़े, ए राजा एक दिन सात फेरा खाए और सात जन्म रो साथ ने बाने रे सोगन खाए। और आज 18 वर्ष की उम्र में राजा भरत्री 18 वर्ष की उम्र में जोग धारण कर लियो सजना। आज इतनी भर जवानी में छोड़ रहा फकीर वे गया। रानी खड़ी महल के माई तड़पती काया, अरे थारो मर जो गोरख नाथ राज छुड़वाया। भी मोड़िया के आग लागू के काले मर तो आज मरो, अरे मरे राजा नहीं जोगी बना दियो। शर्म नहीं आई भी ने राज ने कुड़ संभाली भी टेम रानी की कोख से कोई टाबर भी नहीं जन्म लियो। सजना इतनी बात जद राजा भरत्री सुने तो आवाज दी है माँ पिंगला गुरु महाराज ने दोष मत का कि जो कुछ लिखा लीलाड में टाल सके नहीं कोई, अरे कोटि यतन करते फिरो होनी हो सो कोई है। माँ पिंगला माँ पिंगला गुरु महाराज ने दोष मत दे कियो, पुरानी मत दे गुराने दोष मत दे गाड़ी ओ मत दे गाड़ी। अरे कर्मा में लिखोड़ी एक टने ना टाड़ी, ओ कर्मा में लिखोड़ी एक टने ना टाड़ी। अरे कर्मा में लिखोड़ी एक टले नहीं टाली, आप क्यों भूल रहे हो विधाता का लेख है। मारे कर्मा में जोग लिखो मैं जोगी बन गयो। बेंटे में रानी मन में विचार करी है राजा थाने जोगी बनवारो शोक है तो एक काम करो बारे मती जाओ मेला में धूनो घाल दूं अटे मारे आंखा रे सामने रात दिन आप धूनो तो बोले नहीं। रानी फकीर अगर मेला में तप करे और कोई दिन वापस मोह माया का जाल में पड़ जावे तो मारे पाप लाग जावे मारे फकीरी पे दाग लाग जावे मने जाने दो गुरु महाराज री शरण में। भई रे शिखरे गड़ी बीच साकड़ी सेरी ओ जने गावे झरना नात भजन को लहरी, ओ जने गावे झरना नात भजन को लहरी। राजा भरत्री भिक्षा ले और गोरखनाथ जी महाराज के आश्रम में गया और गुरु महाराज ने निमन करो, हे संता निमन करो। बोले बेटा आई गयो, बोले हाँ माँ हाँ भगवान आई गयो। क्यों भिक्षा लिया हो, बोले हाँ लिया। काई बोलियो, बोले माँ पिंगला भिक्षा दे और मारी रानी मने माँ बने और भिक्षा घर। तो बेटा ज्ञान सीख लो, बोले हाँ गुरु महाराज ज्ञान सीखो। गुरु महाराज सामने विराजमान वे गया और सामने नीचे धरती पर भरत्री जी महाराज विराजमान है। अब राजा रियोड़ा कटो ज्ञान पल्ले पड़े हुए तो वही खुद विद्वान है। गुरु महाराज जी ज्ञान सिखाबो शुरू करे और भरत्री की पलका मिलबो शुरू हुए की। भरत्री जी बोले हे पापनी नींद मैं राज छोड़ दियो पाठ छोड़ दिया प्राण प्यारी पिंगला छोड़ दियो तू मने न छोड़। जद भी नींद ने एक गाली दी राजा भरत्री, अरे उन घर जाजो बेरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे, उन घर जाजो बेरण नींद जिन घर हरि रा भजन नहीं भावे।
द्वारा के रसिया रस भोगी के तुजा जो राज द्वारा के रसिया रस भोगी मारो पाछो छोड़ बावड़ी निशानी मौत की नर जाग जाग रे जाग जो आदमी भजना में सोवे नहीं इसका मतलब वो वहां जाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी वो ऊपर जाने की प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे हम सोए नींद निशानी मौत की नर जाग जाग रे जाग अरे अवसर थारो जा रहे हो बेटी रा बाप अब तो भजना में लाग कदे लाग सी तो भरतरी कहने लाग्या कहे भरतरी सुन मारी निंद्रा यहाँ नहीं तेरा वासा भरतरी सुन मारी निंद्रा यहाँ नहीं तेरा वासा कोई ले